हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट निकल रहे हैं। जस्ट अभी लंच हुआ है और लंच के तुरंत बाद ही निकल जाएं, नहीं तो अगर रजाई के अंदर चले गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज तो भयंकर ठंड है जबलपुर में, मतलब चूहन वाली ठंड है आज यहाँ। तो अभी टाइम हुआ है 2:30 बजा है, अभी 2:30 बजा है। तो हम लोग अभी निकलेंगे क्योंकि हम लोग को जिधर जाना है उधर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो देखते हैं कैसे पहुंच पाते हैं वहां तक, और मैं आपको कार में मिलती हूँ। सृष्टि, चाबी अभी ले ली? बोतल ले ली? बॉटल ले ली बोतल भरी आज। ही नहीं अभी तुम। चलो बोतल भर लो फटाफट। आज मैं और मेरी बिटिया जा रही है साथ में। तो चलो अब हम लोग निकलते हैं मार्केट। स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए सामान लेने जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उधर, यहाँ प्रोजेक्ट का सामान मिलता है। चलिए हम वहां पहुंच करके बताते हैं कि हम कौन से मार्केट में आए। यहाँ कोई आने वाला है क्या? यहाँ गाड़ी पार्किंग में लगा करके पैदल जा रहे हैं। उनको गंजीपुरा मार्केट और आशीर्वाद मार्केट जाना है। तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है और वहाँ अलाउ भी नहीं है गाड़ी ले जाना, इसलिए यहाँ पार्किंग में लगा दिया और पैदल पैदल जा रहे हैं। अब लोग रिक्शा कर लेंगे वहाँ से। यहाँ तो सब बर्तन की दुकानें हैं। लोग आशीर्वाद मार्केट आ गए हैं। ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। क्या प्रोजेक्ट के सामान किस तरफ मिलता है? नहीं आइडिया। चल उस तरफ देखते हैं, उस तरफ भी है ना शॉप। थोक मार्केट है। बेटा पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मैं कमानिया गेट पे आ गई हूँ। आशीर्वाद मार्केट में नहीं मिला था तो कमानिया गेट के पास ही वहां से ले रही हूँ। कमानिया प्रोजेक्ट के सामान मिलते हैं। आप
कहाँ से बेटी का प्रोजेक्ट का सामान लिया। तो स्कूल का प्रोजेक्ट यही मिलता है। ये क्या चीज है? निकाल दो भैया। अच्छा, ये गंजीपुरा मार्केट है। यहाँ बहुत रश रहता है, बहुत लेडीज आती हैं शॉपिंग करने। कहीं अंदर से दिखा रहे हैं स्लिंग बैग। ये वाला निकलना ही, हमें सिंपल ही चाहिए। सुंदर है ये, सुंदर लग रहा है या वो वाला भी सुंदर है? ये वाला, हाँ ये वाला ज्यादा सुंदर है। अंदर का भी कपड़ा ठीक है। आपकी दुकान का नाम क्या है? मोंटी बैग हाउस, गंजीपुरा में है। मोंटी बैग हाउस, शंकर जी के मंदिर के। अच्छा, जी का मंदिर है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, इस मार्केट में। ओके ओके। तो शॉप, आपके शॉप का नाम क्या है? हफीज भाई, हाँ निकालिए देखिए। शशि देखो, इसे पीछे कुछ बना है मगर इसमें वाला है ना। गंजीपुरा की शॉपिंग हो गई। सृष्टि, मजा आया कि नहीं? मजा आया शॉपिंग करने। यहाँ शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है गंजीपुरा में। यहाँ तो पूरा दिन भी निकल जाए तो कम पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कितनी शॉपिंग कर ली हम लोगों ने। मैं घर जाकर के गंजीपुरा की शॉपिंग का हॉल दिखाऊंगी। चलो पल्लू कार उठाएं, यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा अभी कार लेने। हम लोग अब कार में आ गए हैं, अब घर जा रहे हैं। बहुत थक गए पैदल चल चल के। ठंड लग रही है, घर आते ही बहुत ठंड लगने लगी। घर के बाहर घूमते रहो ठंड लगती ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मैं टी शर्ट में ही घूम रही थी, जो स्वेटर पहनी थी वो भी उतार दी थी। बहुत ज्यादा बाहर गर्म था मौसम, गर्म तो नहीं कह सकते लेकिन मतलब गर्मी लग रही थी चलते चलते और शॉपिंग वगैरह की। तो वैसे भी शॉपिंग करते तो गर्मी आ जाती तो हम लोगों ने क्या खरीदा आज? हम और बेटी गए थे शॉपिंग करने, वैसे तो उसके प्रोजेक्ट के लिए गए थे लेकिन वहां गए तो कुछ और भी ले लिया। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि ये दो बैग लिए, ये गंजीपुरा से लिया है हम लोगों ने। ये देखिए ये बैग है, ये पीछे भी टांग सकते हैं और ऐसे हैंड बैग भी बना सकते हैं। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। सृष्टि तुमको बैग अच्छा लगा? सृष्टि को भी बहुत पसंद आया तो ये बैग लिया। ये पड़ा था अपने को एक, ये और एक और लिया है, दोनों मिला करके उसने 800 का दिया है ना, 800 का दिया ना। एक ये छोटा सा है बस, मोबाइल थोड़े पैसे लेकर के चले जाओ। ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है।
छोटा सा क्यूट सा, तो एक ये वाला बैग और एक ये वाला बैग, तो ये बैग हो गए। और सृष्टि ने अपने लिए ये जूती ली है ब्लैक कलर की, ये कितने की दिया इसने 170 की, हाँ 250 रुपए साथ बोल रहा था लेकिन उसने 170 में दे दिया। और प्रोजेक्ट का सामान तो यही, ये प्रोजेक्ट का सामान है उसका भी, वो प्रोजेक्ट बनाएगी। दो नेल पेंट ली है, एक ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट, ये दो उसने नेल पेंट लिया। डेनिम का श्रग जो देख रहे थे उसमें साइज नहीं मिल रहा था, तो इस तरह आज हमारी शॉपिंग थी गंजीपुरा की। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो आ रहा है इंडियन अलका ब्लॉग्स उसमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, तो जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल में। तो चलिए चाय वगैरह पीते हैं, ठंड लगने लगी घर में आते ही, बाहर हम लोग कुछ नहीं खाए पिए, हम घर में ही चाय बनाएंगे। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।